एटम्स बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप्स के जरिए देखा जा सकता है। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो एटम्स से बना है। इसमें आप, हम और वो हर डिवाइस शामिल है जिसे आप देख रहे हैं। वास्तव में अकेले आपकी बॉडी में 7 बिलियन एटम्स हैं, जो 7 × 10^27 एटम्स के बराबर है। आखिर ये एटम होता क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि एटम्स किन चीजों से बने होते हैं। इसके साथ साथ हम उनके मास, साइज और इनके भीतर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को भी जानेंगे। एटम्स जरूर छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये भी दूसरे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। एटम्स के ठीक बीच में न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी ओवरऑल न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिकली बाउंड होते हैं। ये सन और सोलर सिस्टम के डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल पुल जैसा है। तो ये एटम का जनरल स्ट्रक्चर था। आइए अब हम इसके मास और साइज को डिस्कस करते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे होते हैं कि इनका वेट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से लगभग 2000 गुना हल्के होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का मास भी न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड रहता है। आइए अब एटम के साइज को डिस्कस करते हैं। किसी एटम की रेडियस उसके साइज को डिस्क्राइब करती है। किसी एटम की रेडियस इसके सेंटर से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस होती है। एटम की टिपिकल रेडियस 10^-10 मीटर होती है। एटम का ज्यादातर मास उसके न्यूक्लियस में होता है, लेकिन साइज में न्यूक्लियस एटम से बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस का साइज बहुत कम होने से इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर दूर दूर तक चक्कर लगाते रहते हैं। अगर एटम को स्पोर्ट्स एरिना मान लिया जाए तो न्यूक्लियस इसके बीच में रखे गए मटर के दाने जैसा होगा। आइए अब हम इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट्स या शेल्स में चक्कर लगाते हैं। डिफरेंट एटम्स में नंबर ऑफ शेल्स भी डिफरेंट होती हैं। प्रत्येक शेल की एनर्जी फिक्स होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को किसी शेल में रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस शेल की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। न्यूक्लियस के पास की शेल की एनर्जी सबसे कम और आउटर मोस्ट शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर ठीक उसी तरह चक्कर लगाते हैं जिस तरह सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सन के चारों ओर। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में और न्यूक्लियस में फिक्स्ड डिस्टेंसेस पर रिवॉल्व करते हैं, हम पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट एलिमेंट्स के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा। एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स से बना होता है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। एटम का ज्यादातर मास उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है और एटम की टिपिकल रेडियस 10^-10 मीटर होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने एटम के एग्जिस्टेंस और स्ट्रक्चर का पता कैसे लगाया, तो इसके लिए ये वीडियो देखें।